बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। कलंबो टेस्ट के दूसरे दिन का खेल का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान टीम की बैटिंग थी और कोई भी पाकिस्तान टीम ने दिन के अख्ताम तक विकेट नहीं गिनवाई, क्योंकि बारिश का बोल बाला रहा था। बारिश ने रंग में बंग डाल दिया था। पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने अच्छी खासी तेज इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, तेज खेल भी रहे थे। अब्दुल्ला शफी भी 87 रन बना चुके हैं, लेकिन बारिश ने मजीद मोहलत नहीं दी, जिसकी वजह से दिन का खात्मा करना पड़ा और पाकिस्तान टीम मजीद मजबूत पोजीशन पर जा चुकी है। स्कोर कार्ड पर नजर डालने के बाद पाकिस्तान की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। और आज के मैच में कुछ मजे की इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं आज के दिन में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आज क्या कुछ ऐसा मजे का हुआ है। क्योंकि हमारे पास है हसन अली साहब, वो क्या करते हैं वो तो आप सभी को पता है, वो भी पिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले स्कोर कार्ड पर नजर आने, आज 178 पर पाकिस्तान के दो खिलाड़ी होते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 87 रन बनाए हैं, जबकि 6 रन बनाए हैं मामूल अख्तर, शाम सूद तो कल ही आउट हो गए थे, लेकिन बाबर आजम 28 पर नॉट आउट है। ओवरऑल पाकिस्तान का स्कोर कार्ड पर अगर नजर डालें तो पाकिस्तान टीम ने 12 रन की लीड हासिल कर लिया है। इट मीन्स के 12 रन की लीड हमने हासिल कर लिया। श्रीलंका को हमने पीछे धकेल दिया, दो दिन का खात्मा हो चुका है, अभी भी 3 दिन है, तो इट मीन्स के पाकिस्तान अच्छा खासा लंबा टोटल बना सकता है। 8 विकेट हमारे पास है, जो शायद हम इस मैच को इनिंग्स के मार्जिन से भी जीत सकते हैं, अगर बारिश दरमियान में हर्डल क्रिएट ना करे। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तो मैच में मजबूत है, पाकिस्तान को कोई हला नहीं सकता, पाकिस्तान इस मैच में फेवरेट है। जबकि दूसरी तरफ आज बारिश होती रही और हसन अली की मजे मजे वाली चीजें देखने में नजर आई है। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, हसन अली साहब ग्राउंड में मच्छी डाई लगा रहे हैं, कभी इधर से उधर भाग रहे हैं, ऊपर कवर है, कवर के ऊपर गिर रहे थे, कभी इधर जा रहे हैं हसन अली, कभी इधर जा रहे हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग उन्होंने फैंस जो आए थे स्टेडियम में मैच देखने और क्रिकेटर्स को काफी ज्यादा इंजॉय करवाया, क्योंकि हसन अली इस चीज के लिए हमेशा ही फेमस माने जाते हैं। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आज हमने बाबर आजम को देखा, बाबर आजम ने छक्का लगाया, जो कि अब्दुल्ला शफीक ने भी एक छक्का मजीद लगाया। कल मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक ने कोई छक्का नहीं लगाया था, आज 2 छक्के अब्दुल्ला शफीक के बैट से भी आए हैं, तो बाबर ने भी एक छक्का लगाया। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है वो तेज खेलने की, जब आप तेज खेलेंगे तो इट मीन्स के रन काफी ज्यादा बनेंगे, और वैसे भी कल के इख्तिताम तक हमने 5+ का करंट रन रेट रखा हुआ था, आज भी 4.5+ है, तो अभी हमने बैटिंग करनी है। कल का अगर सारा दिन हम खेल लेते हैं, अगर बारिश इजाजत देती है, तो हम बहुत अच्छा खासा श्रीलंका से 300+ या 350+ की लीड भी हम श्रीलंका पर चढ़ा देंगे, और श्रीलंका 350 की लीड भी नहीं उतार पाएगा। लास्ट 2 दिन हम श्रीलंका को दे देंगे भाई खेलने से, श्रीलंका साहब वो लीड भी नहीं उतार पाएंगे, तो ये मैच हमारे हक में आ सकेगा आसानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा क्या देखेगा, तो हमें उस पर मैच को याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।